मध्य प्रदेश के 19,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। स्वास्थ्य कर्मचारी 21 अगस्त को राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम इच्छा मृत्यु का आवेदन सौंपेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि शासन ने नियमित करने की मांग और 90% वेतनमान देने का आवेदन आज तक स्वीकार नहीं किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ सिंह चौहान ने कहा कि नियमितीकरण न किए जाने, 90% वेतनमान आदि कई मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में शासन के प्रति आक्रोश है। कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान 6 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हुई आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रदेश सरकार ने परिवार को 50 लाख व अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी। सरकार पर आरोप लगाते हुए सौरभ का कहना है कि अपनी सरकार द्वारा निर्मित और पारित हो चुके नियमों का पालन कराने में भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम और असफल साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2020 को पूरे प्रदेश भर में माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कार्यस्थल पर अपने पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया जाना है। सरकार ने हमें नियमितीकरण करने का वादा किया, 90% वेतनमान का सामान्य प्रशासन नीति ने लिखित में आदेश जारी किया। कई बार हमारे द्वारा अनुनय किया गया, विनय किया गया, आवेदन किया गया। शासन स्तर से कभी भी किसी भी प्रकार का संविदा हित के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इसके कारण हमने निर्णय लिया कि अगर सरकार हमें नियमित करने का, 90% वेतनमान देने का, 5 जून 2018 की नीति लागू करने का आवेदन स्वीकार करने में कहीं कोई अगर कठिनाई है तो बिना पेंशन, बिना अनुकंपा, बिना बीमा, बिना इंक्रीमेंट, बिना कोई सुरक्षित भविष्य के काम कर रहे संविदा कर्मचारियों का इच्छा मृत्यु का ही आवेदन स्वीकार कर ले। मुझे लगता है सरकार को इसको स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अतः दिनांक 31 अगस्त 2020 को प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपनी बहुप्रतीक्षित मांग नियमितीकरण, 90% वेतनमान, निष्कासितों की बहाली, सपोर्ट स्टाफ के नचम में पदस्थापना को लेकर के प्रदेश भर में कल प्रदर्शन किया जाएगा। पोस्टर अभियान चलाया जाएगा, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा, इच्छा मृत्यु का आवेदन भी लिखा जाएगा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे। और हम सरकार से यही अपील करेंगे, या तो हमें नियमित कर दें, या तो हमें 90% का वेतनमान दे दें, या तो हमारे ज्ञापन पे संज्ञान ले लें, या तो फिर हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि अब हमारे पास और कोई हमें विकल्प नजर नहीं आ रहा कि सरकार हमारी कोई सुनवाई करेगी। तो कम से कम सरकार यही एक कर दे कि संविदा से मुक्ति इसी प्रकार दिला दे कि इच्छा मृत्यु के आवेदन स्वीकार कर। बहरहाल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि सरकार उनके इस प्रदर्शन पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।